अभी ना सामने ना मेरे को पाकिस्तान के दो बंदे दिखाई दे रहे हो, सामने दिखे आप लोगों को, मैं ना उनको ऐसे करके हाय करता हूँ, देखते हो मेरी तरफ रिप्लाई करते हैं कि नहीं। हेलो, वो फोटो खींच रहे हैं, बल्कि मेरा फोटो खींच रहे हैं। लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडियन इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल किरण। ये जो सामने पहाड़ी देखी है पाकिस्तान की पहाड़ी है। फिलहाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल अठवाले, सारे ने प्यार भरी नमस्कार। फिलहाल चाय के साथ आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। इन भैया ने हमें चाय पिलाई है यहाँ पे, मुझे चाय बड़ी मस्त चाय, और ये बिस्किट है पहली बार खा रहा हूँ, अजीब तरह का बिस्किट है। आज पाकिस्तान के इस साइड, फिलहाल मैं अपन मतलब हिंदुस्तान में हूँ, और ये जो दरिया दिख रही है ना पानी, इसके उस साइड है पाकिस्तानी। ये स्कूल है ना भैया? हाई सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा, स्कूल में बाइक लगा दी मैंने यहाँ पे सामने, और यहाँ कैंटीन से भैया ने चाय पिला दी। ये जो सामने ये बिल्डिंग टाइप दिखाई दे रही है, ये होटल, पाकिस्तान का होटल है ना भैया? ये जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पाकिस्तान का होटल है। होटल के पीछे आपको रोड दिखाई दे रहा होगा। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइए, इनका रोड तो यार बहुत बढ़िया है, हम मैं जहाँ से आया वो तो बिल्कुल टोटली ऑफ रोडिंग है। जी सर, आपने देखा हमारा रोड हालात के नहीं है ही नहीं, रोड तो है ही नहीं कि सर, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे तवज्जो देती नहीं है रोड पे किसी भी चीज़ पे, यहाँ जो भी करिए तो आर्मी करिए। आपने देखा रोड आप बाइक पे आए, कितना आपको टोटली ऑफ रोडिंग है, कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। अगर गाड़ी में आए गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आप, लेकिन कंपेयर करो इनके रोड से, इनका तो बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है पाकिस्तान का। ये देखिए सामने होटल के पीछे बिल्कुल यहाँ से ये रोड है, वो तो है। ये देखिए गाड़ी पाकिस्तान के अंदर कितनी स्पीड से भाग रही है, और मेरी बाइक मर मर के आई थी। मतलब सरकार को देखना चाहिए, खैर इधर में यार रोड अपना भी ऐसा ही होना चाहिए कम से कम। नेटवर्क भी नहीं है भैया यहाँ पे, तो नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मंडी है गाँव में, वहाँ जियो नेटवर्क लगा लेकिन वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, वो ऐसे यहाँ पे लगा के छोड़ लें, कॉल वॉल नहीं हो रहा उसका, अगर यहाँ से कॉल करें आगे वाला बंदा सुनेंगे नहीं बात उसकी, नेटवर्क का इशू होएगा तो कॉल बात होती नहीं है। जी जी, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ही समस्या है, यहाँ नेटवर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये है अपने इंडिया का लास्ट स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल केरन कुपवाड़ा, और ये ग्राउंड है, और सामने पाकिस्तान, ये बिल्डिंग पाकिस्तान की है, वो तमाम जो ऊपर आप लोगों को घर दिखाई दे रहे हैं सभी पाकिस्तान के हैं। अब थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा ना घूम के, वह पहले मैं वहाँ था स्कूल के पास, इधर इधर ऐसे घूम के फिर मैंने बाइक को यहाँ खड़ा कर दिया। ये सामने ये सारे घर भैया आप पाकिस्तान में है ना? बिल्कुल। ये होटल है या घर है? ये होटल से कुछ सारे होटल है। अपना ये पोस्ट ऑफिस है, लास्ट पोस्ट ऑफिस इंडियन, ये इंडियन का अपना लास्ट पोस्ट ऑफिस है। अच्छा, ऊपर सामने उनका पाकिस्तानी बंकर से वो फ्लैग है। कहाँ पे है बंकर? वो चोटी पर देखो, उधर भी बंकर है उनके, और ये फ्लैग लगा है उनका। मेरे को दिखाई नहीं दिया, एक तो ये है नीचे, नीचे भी है, ये सामने ये पेड़ के ये जो फल लगा हुआ है ना। हाँ हाँ, ठीक है, एग्जैक्ट पीछे भी। अच्छा, इनका बंकर है। आप आगे ऐसे जाओगे ना उधर, अच्छा लास्ट पॉइंट पे, वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ये पाकिस्तान, और ये आ गया अपना इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल मतलब पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे, जिससे इधर पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडियन इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल किरण। अभी ये तीर के निशान है कराची, 1755 किलोमीटर, लाहौर 740 किलोमीटर है, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये सब लिखे हुए, मुजफ्फराबाद, इनका डिस्टेंस भी लिखा हुआ है कि कितना किलोमीटर है यहाँ से। अभी तीर का निशान उधर है। पाकिस्तान के आदमी दिखाई दे रहे हैं मुझको, यहाँ से दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए ये सारे पाकिस्तान के हैं। ये पोस्ट ऑफिस है केरन में, हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, लास्ट पोस्ट ऑफिस है ये अपने इंडिया का। यहाँ से जाना पड़ेगा इसको पार करके, ऐसे लकड़ी का है सारा स्ट्रक्चर, ऊपर देखो पूरा लकड़ी का है। ये पोस्ट ऑफिस, चप्पल निकालो, जूते
जूती निकाल के। अच्छा आपको अपना पोस्ट ऑफिस दिखाते हैं। अरे सर लेकिन पोस्ट मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस छोटा पोस्ट ऑफिस है। अच्छा अच्छा पोस्ट कार्ड वगैरह मिलते हैं यहाँ पे और बाकी कुछ फैसिलिटी मतलब रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट ऐसा कुछ नहीं होता? होता है। वो कहाँ? यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी आती है यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा ये पोस्ट ऑफिस है अपना, यहाँ यही है बस रूम एक पोस्ट ऑफिस का? हाँ, सारे और भी हैं। अच्छा और भी है जी। ये किचन, ये किचन है और ये स्टोर रूम, ये स्टोर रूम है इनका। अच्छा 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 मतलब मेन तो यही है पोस्ट ऑफिस। पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये अपने फौजी भाई हैं। अभी ना सामने ना मेरे को पाकिस्तान के दो बंदे दिखाई दे रहे हो, वो सामने दिखे आप लोगों को? मैं ना उनको ऐसे करके हाय करता हूँ, देखते हैं वो मेरी तरफ रिप्लाई करते हैं कि नहीं। हेलो वो फोटो खींच रहे हैं, बल्कि मेरा फोटो खींच रहे हैं वो। अरे यार बोलो। अपने हिंदुस्तान में सूरजमुखी बोलते हैं इसको, ये हमारे साइड में होती है सूरजमुखी, ये अपने इंडिया में है, पर पाकिस्तान में आप लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। ये देखो ये वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। आगे कैंप लगे हुए हैं, यहाँ जाता हूँ। मुझे ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, पाकिस्तान की साइड में ना ये सारे होटल बने हुए हैं, ठीक है। अब अपनी साइड में दिखाता हूँ, अपनी साइड में इधर में कोई होटल नहीं है, मतलब ये टेंट वगैरह लगा रखे हैं बस। ये थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट को ना इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अपनी साइड में भी कुछ मतलब सुधार हो। बारिश है ना बहुत तेज आ रही थी, मैंने ना अपना टेंट लगा दिया यही नदी के किनारे पे। देखो मैं पूरा भीग गया, टैंक बैग में लेके आ गया और ये सारा सामान ना मैंने इसमें अंदर रख दिया, टेंट लगा लिया। दोपहर के ना एक बज चुके, और सामने दिखाऊं मैं सामने कहाँ पे लगाया मैंने टेंट, कहाँ लगाया मैंने टेंट? सामने दरिया चल रही है और इधर सामने ये पाकिस्तान है, ये सारे मकान पाकिस्तान के हैं। इधर आज पूरी रात यही देखना है मुझे, पाकिस्तान वाले कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान के इस तरह इलाके को भी ना ये लोग केरन बोलते हैं, पता नहीं ये वो लोग बोलते हैं पहले से, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन वो जो होटल दिखाई दे रहा है ना, उसके यहाँ पे ये बोर्ड रखा हुआ है, इस पे ना केरन लिखा हुआ है, केरन रिजोर्ट। मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए ठीक है, ये सामने केरन, इस पे भी केरन लिखा हुआ है। फिलहाल मैं भी केरन में ही बैठा हुआ हूँ। मेरे टेंट में बड़े जोरों की बारिश आ रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है। ये मुनीर है, इसी गाँव, मुनीर इसी गाँव का है ना तू? इसी गाँव का है मुनीर, और ये गाइड का काम करता है। फिलहाल बहुत तेज़ बारिश आई हुई है, बैठे हैं आराम से। खाना तो ना मैं खुद बना लेता हूँ, यहाँ से चिकन मिलेगा? चिकन ले आए, चलो चिकन लेके आऊँगा मैं, बारिश रुकने के बाद फिर बनाता हूँ। तू खाएगा? नहीं मैंने, अरे तू खाना, मैंने अभी खाना नहीं, तू तो शाम को खाना। ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश, काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है। मैं तो अपना टेंट में दुबक के बैठा हुआ हूँ, देखते हैं अब कब तक होती है। मेरी ना सारी पैंट गिल्ली होगी, पाकिस्तान वाले भी निकल नहीं रहे हैं घर से बाहर, दुब के पड़े हैं सारे। अरे कोई है? जब से मैं बैठा हूँ ना कैंप के अंदर, तब से ना लगातार बारिश चल रही है। देखो बाहर लगातार बारिश चल रही है, ये देखो। तो मुझे लगा कि बारिश तो रुकने वाली है नहीं, पाकिस्तान वाले भी अंदर ही घुसे पड़े हैं। मैं अपना टेंट में सामने से देख रहा हूँ, वो अपने घर के अंदर है। तो मैंने ना टमाटर प्याज हरी मिर्ची काट दिया, मैं अदरक और लहसुन ना वो थोड़ा पैकेट में था, वो ना थोड़ा मुझे लगा कि ख़राब होने वाला, मैंने उसको ना बाहर रख दिया, थोड़ा हवा लगेगी ठीक हो जाएगा। तब तक ना अगर बारिश रुकती है तो ठीक है, वरना फिर मैं अपना ना बिरयानी, चिकन बिरयानी बना रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। मुझे यहाँ से खाना मिल गया, मतलब बिरयानी मिल गई, सामान मेरे पास था ही, क्या बोल रहा हूँ, बिरयानी मिल गई नहीं, चिकन मिल गया, उसका ना मैं बिरयानी बनाऊँगा फिर खाऊँगा। आपको मैं ना प्याज काटने से ना आंसू से आने लगे, ये देखो कितने सारे प्याज काट लिए मैंने। ठंड है यहाँ पे, अगर रात में भूख लगेगी तो मैं रात को भी खा लूँगा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा काट दिया है। वैसे पाकिस्तान देख लो, वैसे दिख नहीं रहा अभी फ़िलहाल, पता क्यों? धुआँ धुआँ हो गया चारों तरफ, धुआँ धुआँ। वो सामने दो बंदे खड़े हैं पाकिस्तान के, प्याज काट लेता
मैंने 2 मिनट के लिए बाहर चला गया, मैं फिर से पूरा भीग गया। अभी ना मैंने अपनी गैस चालू कर ली है। प्याज टमाटर मैंने काट ही दिया था, ये चिकन भैया ने दे दिया जिसकी जगह पे हमने ये मतलब जिसकी जगह पे मैंने ये कैंपिंग की है। गैस ठीक है, कर देता हूँ शुरू। इसको 10 मिनट के लिए ढक देता हूँ। मैंने ना इसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक और क्या डाला, हरी मिर्ची। पहले मैंने प्याज को और हरी मिर्ची को लहसुन अदरक को ना भून लिया, फिर इसमें मैंने अभी टमाटर डाल दिया। अभी ना जब तक ये थोड़ा सा पानी डाल के ना ये जब तक गल नहीं जाते ना मैं इसका वेट करता हूँ 5-7-10 मिनट, उसके बाद फिर इसमें चिकन नहीं डालता, फिर इसमें चावल डालूंगा। जैसे ही चावल बनने लग मतलब क्या बोलते हैं चावल ना जैसे बनने वाले होंगे 5-7-10 मिनट रहूँगी, फिर इसमें मैं जो ये फ्राई किया है मैंने ये चिकन मैंने फ्राई किया है फिर इसमें मिक्स कर दूँगा। नंबर वन स्वाद आएगा। टमाटर गल चुके हैं लगभग,
निकले तो कल जाएंगे यार, वैसे खा लूंगा बच्चे को। सामने पाकिस्तान, कुत्ते आ गए, कुत्ते कुत्ते भौंक रहे हैं। बाकी मेरी चिकन बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है, खुशबू तो जबरदस्त है। बाहर का व्यू दिखाऊं, सामने का पाकिस्तान वालों ने ना झंडा लगा दिया, दिखाता हूं अभी जूम करके दिखाता हूं। ये देखो सामने ना पाकिस्तान वाले ने झंडा लगा दिया, एक आदमी खड़ा और एक साइड में झंडा, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो ये झंडा पाकिस्तान का और ये नीचे आदमी खड़ा है। कहाँ गई मेरी उंगली, कहाँ कहाँ कहाँ, ये आदमी है और ये झंडा है। देखो अभी ना टाइम 7 बज गए, एक नंबर बिरयानी बन गई, मैं कह रहा हूँ पेट भर गया मेरा, एक नंबर लाजवाब बिरयानी। वो जो लाइट जल रही है ना, ये सारी लाइटें पाकिस्तान में जल रही हैं, ये पाकिस्तान है अपना ही है, और ये अपना हिंदुस्तान, वो ऊपर पहाड़ी पर लाइट जल रही है, और ये पीछे खेत है, ये मेरा टेंट लगा हुआ है, बाइक मैंने वहाँ पार्क कर रखी है, बहुत पीछे है। सुबह दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आज पूरे दिन से बारिश हो रही है, अभी रुकी है बारिश आके। ये देखो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं ना जो मैंने पैंट पहनी हुई थी ना, वो ना मेरी सारी भीग गई, तो मैंने दूसरी पैंट निकाली ही नहीं, मैं ऐसे ही बैठा था मैं पूरे दिन से इसमें टेंट में, तो मुझे लगा मैं दूसरी पहनता ही नहीं हूँ, क्या पता ये सूख भी जाए, फिर ये सूखी नहीं है। अब मैं ना मेरा बैग ना मैंने वहाँ पे रख दिया पीछे, अब मैं वहाँ से बैग लेके आऊँगा, उसमें से अपनी पैंट निकालूँगा तब पहनूँगा, फिलहाल कच्चे कच्चे में अंडरवियर में ही खड़ा हूँ। पाकिस्तान दिखाता हूँ यार, इसमें क्या है तुम वो देखो, ये सारी लाइटें पाकिस्तान में जल रही हैं। चलता हूँ थोड़ा थोड़ा आगे, एक चीज़ बताऊँ मैं, जब मैं यहाँ पे आया था ना, पानी का फ्लो बहुत पीछे था, मतलब मैं वहाँ तक पहुँच गया था जो ये यहाँ तक, और मतलब पूरे दिन से बारिश हो रही है, पानी का फ्लो ना ऊपर हो रहा है, जिसकी ये जगह है ना कैंपिंग वाले की, उस भैया ने बोला कि अगर पानी और ज़्यादा हो जाए ना तो पीछे जाके कैंप कर लेना, यहाँ से है ना अपना टेंट उठा लेना। मैंने कहा ठीक है, लाइट ये जूम करता हूँ, ये पाकिस्तान की लाइटें जल रही हैं, ये पूरा पाकिस्तान है। रात के 8 बज गए, ये देखो मेरा टेंट, दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि अंधेरा है, आर्मी वाले आए थे, उन्होंने बोला कि लाइट नहीं जला ली सिक्योरिटी रीजन की वजह से, मतलब अगर लाइट जलाओगे तुम, मतलब जैसे लाइट जलाओगे ना मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, ये कैंप कर रखा है यहाँ कोई बंदा है, कुछ भी हो सकता है। मैं डर गया, मैंने तो बंद कर दिया अपना ये छोटा सा लाइट होता है जो कैंपिंग में। ये दिखाता हूँ सामने, अभी ना रात के 11 बज चुके हैं और मेरा कैंप उस कैंप के पास लगा हुआ था, यहाँ पे जहाँ की जिसकी ये प्रॉपर्टी हो, भैया आए मुझे उठा दिया, मैं सो गया था बल्कि, उन्होंने बोला पानी का फ्लो ना आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले इतना नहीं बढ़ा था, इसको पीछे कर लीजिए, क्योंकि वाकई में उसका फ्लो काफ़ी बढ़ चुका, बारिश हो रही थी पूरे दिन से, जो पानी आ रहा था ना जहाँ पे दिन में मैं बैठा था वो पत्थर भी डूब चुका है, इतना फ्लो बढ़ चुका है, और उससे ऊपर इधर की ओर पानी आ चुका है, तो मैं अपने टेंट को और पीछे लेके आ गया हूँ, पता नहीं चलता ना कब क्या हो जाए। रात में ना मैंने टेंट यहाँ पे लगाया था,
पहले तो वहाँ पे लगाया था, फिर मैंने जैसा कि रात को बताया कि भैया ने मेरे को आगे उठा दिया, फिर मैं टेंट को यहाँ ले आया। अभी सुबह सुबह उठ गया हूँ और उधर देखा तो पाकिस्तान वालों ने एक झंडा और लगा दिया अपने झंडे के पास। नज़दीक जाके फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, पहले तो यहाँ एक झंडा था, अब तीन लगा दिए इन्होंने। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, एक दो तीन, तीन झंडे लगा दिए। रात रात में इनका काम ये क्या है, झंडे ही लगाने हैं। अपना हिंदुस्तान का झंडा इस पेड़ के पीछे है, मैं यहाँ से पेड़ के पीछे है, इस पेड़ के उधर जाऊंगा तब दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है अपने हिंदुस्तान की साइड का नज़ारा, ये पूरी वैली अपने ही इंडिया में है। वो देखो वहाँ तक, जहाँ तक बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे 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 घर हैं ऊपर पहाड़ी पे। और ये इधर, ये अपने इंडिया का झंडा इधर ये रहा।